फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी की चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक हेयर टॉनिक जो आप इस गर्मी में भी यूज कर सकते हैं और अपने बालों को जो सफ़ेद हो रहे हैं समय से पहले उसे काले बना सकते हैं और पतले बालों को घने बना सकते हैं। साथ ही अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ड्राई हैं, रुके सूखे हैं, झाड़ू जैसे हैं, तो उसे मैनेजेबल बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हर किसी की चाहत होती है कि बाल लंबे हो, अच्छे खासे और काले हो, घने हो, हेल्दी हो। लेकिन आजकल की केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स की वजह से हम उसे यूज करके अपने बालों को हार्म पहुंचा चुके हैं और साथ ही बाल एकदम रूखे सूखे बनते हैं, झाड़ू जैसे बनते हैं, झड़ते भी हैं, पतले भी हैं और बालों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो इस प्रॉब्लम्स के से कैसे छुटकारा पाएं हम देसी नुस्खे से, सो लेके आई वीडियो। सो पहली इंग्रेडिएंट से कलंजी यानी काला जीरा, जो कि बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सफ़ेद बालों को काले करने में मदद करती है। साथ ही अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि ये होती है एक एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं उसमें, और जो कि स्काल्प को आने वाले डैंड्रफ के उपचार में सहायक होते हैं। साथ ही बाल झड़ने के उपचार में भी सहायक है और बालों के विकास में भी सहायक है और सिर की त्वचा की खुजली के उपचार में भी ये सहायक होते हैं और बालों को घना भी बनाते हैं। सो अगर आप काला जीरा का पानी अभी इस्तेमाल करेंगे गर्मी में, तो ये आपको बालों की सफ़ेद बालों को काले करेगी, साथ ही उसे काले लंबे और घना बनाएगी। और एक चम्मच मैंने लिया मेथी दाना। मेथी दाना भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। फ्रेंड्स, पोटासियम से भरपूर होने के कारण मेथी का सेवन बालों की समस्या रोकने में मदद कर सकती है। साथ ही एसिड, प्रोटीन और औषधीय गुण से भरपूर मेथी बालों को पोषण दे सकती है और जिससे वह स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। मेथी हेयर मास्क भी आप अगर लगाएंगे तो ये हेयर फॉल, सफ़ेद बाल और उसी जैसी समस्या से छुटकारा दिला सकती है। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज पानी बना रही हूँ कि गर्मी में तेल थोड़ा मालिश करने में अच्छा नहीं लगता। सो उस हेयर टॉनिक को हम अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे, जिससे बाल अगर सफ़ेद हैं तो काले बन जाएंगे, साथ ही बालों का झड़ना भी रुकेगा और बाल एकदम काले लंबे और घने बनेंगे। सो उस तरह से रात भर भिगोने के बाद मैं पानी को छान लिया है छन्नी से और पानी को निकाल लिया है। और इस पानी को आप बालों में साफ सुथरे धुले हुए बालों में स्प्रे कर लें या फिर कॉटन से बालों में लगा लें, तो ये हेयर टॉनिक बन चुकी है जिसे आपके बालों की हर परेशानी दूर करेगी। दोनों इंग्रेडिएंट्स बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स, उसे बालों में लगाने के बाद अच्छे से स्प्रे कर लें जड़ से लेकर रूट तक और टॉप तक, और फिर उसे 2 आवर्स रहने दें। उसके बाद आप अपने बालों को सादे पानी से धो लें। और फ्रेंड्स, इस तरह अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल काले, लंबे और घने होंगे। धीरे धीरे बाल का झड़ना भी बंद हो जाएगा, साथ ही आपके बाल एकदम बालों की वॉल्यूम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो बचे हुए मेथी दाना और कलंजी था भिगा हुआ, उसे आप पेस्ट बना लें और उसका मास्क अपने बालों पर लगा लें। और फ्रेंड्स, इसका मास्क अगर लगाएंगे तो वही काम करेगी जो हेयर टॉनिक ने किया है। सो इस तरह से अगर आप उस मास्क को भी कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों की सारी परेशानी दूर हो जाएंगे और बाल एकदम काले, लंबे और घने होंगे। तो इस मास्क को भी इस तरह से लगा लें, साफ धुले हुए बालों में लगाएं और उसे 2 आवर्स रहने दें, और उसके बाद आप सादे पानी से बालों को धो लें। सो फ्रेंड्स, अगर आप उस मास्क को लगाएंगे तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो धीरे धीरे घने हो जाएंगे। साथ ही कलंजी बालों को काले करने में मदद करती है और पतले बालों को बालों की ग्रोथ बढ़ाती है, वॉल्यूम बढ़ाती है। सो इस तरह से अगर आप उसे कंटिन्यू सिर्फ हफ्तों में 2-3 बार लगाएंगे तो फिर आपके बाल एकदम काले, लंबे और घने होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, मेथी दाना और कलंजी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेनिफिशियल है हेयर के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल रेमेडी है और उसे अपनाएं और बालों को स्वस्थ बनाएं। सो फ्रेंड्स, दैट्स द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।